हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मोजा मिनी MI गिम्बल की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं, जो कुछ ऐसा दिखता है। दोस्तों ये एकमात्र गिम्बल है जो वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तो चलिए करते हैं इसकी क्विक अनबॉक्सिंग। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जब हम अपने हाथों से वीडियो बनाते हैं तो वीडियो हिलते हुए नजर आती है। गिम्बल्स हमें मदद करते हैं स्टेबलाइजेशन के लिए। तो फिर चलिए जल्दी जल्दी बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं हमें इसमें क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों ये है हमारा मोजा मिनी MI गिम्बल का बॉक्स, तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। दोस्तों ये एकमात्र गिम्बल है जो वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तो इसके लिए हमारा फ़ोन भी वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करे तभी हम इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों मुझे इस गिम्बल का बेस्ट फीचर इन सैमसंग मोड है, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा बॉक्स ओपन हो चुका है, तो चलिए देखते हैं हमें इसमें क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले हमें इसमें मैनुअल गाइड मिलता है, इसको पढ़ना मैं ज़्यादा बेहतर समझता हूँ, क्योंकि इसको समझने के बाद ही आप इस गिम्बल का सही से प्रयोग कर सकते हैं। बॉक्स के अंदर भी हमें एक और बॉक्स दिखाई देता है जिसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, तो चलिए इसे भी हम ओपन करके देखते हैं हमें इसमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले हमें सामने गिम्बल दिखाई देता है और उसका एक ट्राइपॉड स्टैंड। दोस्तों ये है हमारे गिम्बल का स्टैंड जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। इसे गिम्बल में इंस्टॉल करना काफ़ी आसान है, तो मैं आके करके दिखाऊंगा आपको। यह है हमारी USB केबल, इसमें हमें किसी प्रकार का चार्जर नहीं मिलता है, ओनली USB केबल मिलती है जिसकी क्वालिटी ठीक है। तो दोस्तों यह है हमारा गिम्बल जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। यह हमारी जॉयस्टिक है, ये जो आप तीर का जो निशान देख रहे हैं ऐसे इस गिम्बल में हमें चार छेद दिखाई देंगे। इसमें हम अपने माइक LED लाइट को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ से हमारे फ़ोन में वायरलेस चार्जिंग शुरू हो जाएगी। तो फिर चलिए हम अपने गिम्बल के स्टैंड को इंस्टॉल कर लेते हैं और देखते हैं ये हमें किस तरीके से दिखाई देता है। तो दोस्तों नीचे वाले बटन को 3 बार प्रेस करने से हमारा जो बैक कैमरा है वो फ्रंट कैमरे में बदल जाएगा, और 2 बार डबल टैप करने पर ये दोबारा अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, और ऊपर वाले बटन को 3 बार प्रेस करने से ये ऊपर की तरफ घूम जाएगा
और इस यहाँ हम अपने इन सैमसंग बोर्ड को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमारा फ़ोन 360 डिग्री तक पूरा घूमेगा। ये सबसे बढ़िया फीचर्स है इस गिम्बल का। इस गिम्बल से हम इस टाइप के शॉट ले सकते हैं। यहाँ हमारे बैटरी इंडिकेशन शो करता है। पावर बटन को दो बार दबाने से हमारे फ़ोन में वायरलेस चार्जिंग शुरू हो जाती है। तो चलिए हम इसकी एप्लीकेशन से अपने गिम्बल को अपने फ़ोन से ब्लूटूथ के ज़रिए कनेक्ट कर लेते हैं। ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के बाद कैमरे के सारे फीचर्स हम इस गिम्बल में दिए गए बटनों से कर सकते हैं। ISO, एपर्चर, सारी चीज़ें हम गिम्बल के बटनों से कंट्रोल कर सकते हैं। जूम करना और जूमिंग को कम करना सब कुछ इस बटनों से कर सकते हैं हम। और बीच का बटन दबाने से हमारे इस फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी चालू कर सकते हैं। इस गिम्बल में हमें ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग का सबसे बढ़िया फीचर्स दिया गया है, जिसके ज़रिए हम एक बार ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम अपने गिम्बल को किधर भी उधर उधर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस ऑब्जेक्ट की तरफ घूम जाएगा। ये सबसे बढ़िया फीचर्स है इस गिम्बल का, जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और इस जगह से हम अपने गिम्बल को चार्ज कर सकते हैं। और ये हमारा ट्राईपॉड स्टैंड है, हमें अगर अपने इस गिम्बल को ट्राईपॉड स्टैंड पर लगाना हो तो इसके ज़रिए हम अपने ट्राईपॉड स्टैंड पर इसको लगा सकते हैं। दोस्तों, जो ये आप वीडियो देख रहे हैं, एक में मैंने गिम्बल में फ़ोन लगाकर दौड़ रहा हूँ और एक में अपने फ़ोन को हाथों में लेके दौड़ रहा हूँ। आपको साफ दिखाई दे रहा होगा गिम्बल से की गई रिकॉर्डिंग कितनी स्मूथ है और वीडियो बिल्कुल भी हिल नहीं रही है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ऐसा लग रहा है शूट किया गया है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और पूरा ट्यूटोरियल देखने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से उसे ओपन करके इसका पूरा वीडियो देख सकते हैं।